देख सकते हैं आप इतनी अच्छी पूरी के लिए। चलिए हम रेसिपी ट्राई करते हैं, देखते हैं ऐसा पूरी इतना टेस्टी और इतना सुंदर पूरी कैसे बनाते हैं, उसका रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक देसी अपना किचन। आज हम लोग बनाने वाले हैं पूरी, बनाती हूँ मैं बिल्कुल भटोरे टाइप में। तो जिसके लिए मैं मैदा ली हूँ, ग्राम में मैं 250 ग्राम है ये मेरे पास, और कप से आप 1 कप, और इसमें मैं गेहूँ का आटा भी लूँगी जो मेरे पास केजी में मैं 1/2 केजी ली हूँ, यानी कि 500 ग्राम ली हूँ। और कप में आप 2 कप ले सकते हैं, और इसमें मैं इसको अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें अभी मैं डालती हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है चीनी, मंगरेल, जवैन, सोडा है, नमक है, और ये ईस्ट है। मैं ईस्ट को ऐसे नहीं डालूँगी, मैं आपको ईस्ट डालने का भी नियम बताती हूँ। मेरे पास ईस्ट था तो मैं डाल दी, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड भी डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेड में ईस्ट होता है। तो मैं थोड़ा चीनी 1/2 ले लेती हूँ इसमें ऐसे डालने के लिए, और 1/2 चीनी जो है मैं ईस्ट में डालूँगी। तो इस तरह से मिला लेना है सबको अच्छा से हमको, ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं फॉर्चून भी डालूँगी थोड़ा सा, आप चाहे तो घी या फिर डालडा डाल सकते हैं। सबको मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से, मिला के ये देखिए इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल। तो फ्रेंड मेरे पास पानी गर्म है थोड़ा, वो गर्म है, तो इसमें अब मैं ईस्ट डालूँगी इस तरह से, और ईस्ट के साथ ये थोड़ा चीनी भी मैं रखी थी, ये भी मैं इस तरह से डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कम से कम 10 मिनट तक के लिए आटा गूंद के छोड़ दी थी। तो चलिए अब मैं इसका लोई बना के छोटा छोटा लोई बना के पीलना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से पहले मैं छोटा छोटा इसको कट कर लेती हूँ, ताकि वो पीलने में सुविधा हो, आसानी हो। तो आप चाहे लंबा बेलना चाहे या गोल, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे बेलने के लिए अंडा आकार में या फिर जैसा भी वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले बेल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कुछ पूरी अंडा आकार, कुछ गोल आकार में, जैसा आपको आकार पसंद हो वैसा आप करके बेल सकते हैं। अब मैं बेल के रख ली हूँ, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है बिल्कुल। तो चलिए अब इसको छानना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा। और इसके साथ ये सेवियाँ हैं, सेवियाँ के साथ पूरी बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मैं एक पूरी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और मेरा क्रिस्पी बना है, ये देखिए देखिए कितना अच्छा पूरी बना है मेरा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।